हेलो दोस्तों, इस वीडियो में चर्चा करेंगे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन यानी IOC लिमिटेड शेयर के बारे में। IOC लिमिटेड को हमने पहले वीडियो बनाया था, उसमें चर्चा करी थी कि इसका जो सपोर्ट लेवल है वो 67, अगर इसको नीचे ब्रेक कर देता तो फिर इसका जो टारगेट निकल के आता है वो है 57 के आसपास। अब इसने ये जो सपोर्ट लेवल है अपना ब्रेक कर चुका है और दोबारा इसको रिटेस्ट भी कर चुका है। अब इसमें फर्दर गिरावट देखने को मिल सकती है जो कि 57 तक हो सकती है। अब चलिए इस पर जानते हैं एक्सपर्ट की क्या राय है। सर्वेंद्र बोली, इंडियन ऑयल जी कॉरपोरेशन ये उसने सर पकड़ लिया 66-67 का, काफ़ी गिरावट के बाद उसको होल्ड कर रहा है, क्या राय बनती है आपकी? जी देखिए, अब रेगुलर कवरेज का शेयर है तो टाइम टू टाइम व्यूज यहाँ पे रहते हैं, तो ये डिस्क्लेमर ले लें, एक सेकंड ओपिनियन जरूर यहाँ पे लेंगे, बिकॉज ये रेगुलर कवरेज का स्टॉक है, हमारा इंटरेस्ट कभी कभी इसमें रहता है। तो उसमें मैं खाली यही बोलूंगा कि देखिए, डिलीवरी बेस्ड अगर इसको थोड़ा सा टाइम देंगे तो डेफिनेटली यहाँ पैसे भी बनेंगे। आप देख लीजिए, डिविडेंड यील्ड्स भी बहुत बेहतरीन है यहाँ से, बट खाली एक ही वो जो कैवेट है, जो आप भी मतलब हम जो डिस्कस भी कर रहे थे शो के स्टार्ट में, कि भाई गवर्नमेंट के इंटरवेंशन इसमें आते रहेंगे, कुछ ना कुछ होते रहेगा, तो इसलिए आप देखिए कि इसमें फ्लेवर नहीं रहता है, बहुत लोगों को ये सब अच्छे लगते नहीं है। बट आई थिंक लो बीटा स्टॉक है और बहुत ज्यादा अब आपको यहाँ से इन लेवल से स्तरों से मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा आपको नुकसान करा सकता है। अगर आपने पेशेंटली इसकी डिलीवरी होल्ड की तो मेरे हिसाब से ट्रेड में बने रहे, इसकी डिलीवरी होल्ड करें, 12-18 महीने 24 महीने का अगर स्टांस पकड़ के चलेंगे तो इन रेटों से मुझे नहीं लगता कि बहुत नुकसान होगा। अच्छी खासी डिविडेंड यील्ड भी बनेगी और ऊपर में आपको थोड़ा कैपिटल गेंस भी कमाने को यहाँ मिलेगा, तो मेरे हिसाब से ट्रेड में बने रहें।